बरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर। वेतन भुगतान को लेकर ठेका सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन। ठेकेदार ने 2 दिन का समय मांगा और भुगतान करने को कहा। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार को भी चेतावनी, भुगतान न हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन। रायबरेली, 11 अप्रैल। ठेका सफाई कर्मचारी संघ के समस्त कर्मचारियों का 2 माह का वेतन न मिलने से आज रेलवे स्टेशन पर 26 कर्मचारियों ने 2 घंटे तक वेतन की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए। आर्यन इंडस्ट्रीज के ठेकेदार को जब जानकारी हुई कि रायबरेली के सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करके प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने मोबाइल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों से वार्ता की और उनकी मांगों को सुना। ठेकेदार आर एन मिश्रा ने 2 दिन का समय मांगा व प्रदर्शन कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि 2 दिन में भुगतान किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में लल्लू राम भारती, रामराज आशीष कुमार वर्मा, रामेश्वर राय दास, राम कुमार, महेश कुमार, बाबूलाल, संतोष कुमार, शंकर, बबलू, आकाश, दयाराम, हरिकेश कोरी, संजय, सोनू, अमरनाथ, दयाराम, अजय, अजय कुमार आदि सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? श्रीमान जी, हमारा नाम राम कुमार। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे 2 महीने एक सैलरी आज तक दिए नहीं, हम लोग परेशान हैं सैलरी बिना। खाने पीने के मुतेज हो गए और जो मैंने मांग की तो कहन के 7 तारीख तक तनख्वाह डाल दिया जाएगा। आज 11 तारीख हुई जो भी तनख्वाह नहीं डाली गई। अगर ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं तो कहो हमें नौकरी से हटा दे, ये भी धमकी दिया जाता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सुनवाई है, जो मेरा नियम है, वो भी पूरा किया जाए। और मैं हम लोग काम ही तो कर ही रहे हैं, नाक थूक बहाते सब कुछ करते हैं एक पेट के लिए। अगर हमारा पेट ही ना भर जाएगा तो हमें काम करना से क्या फ़ायदा। तो हमारे साथ अत्याचार ना हो, हमारे साथ नियम पूर्वक पालन किया जाए। और मेरी कोई ऐसा वो नहीं है। कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? आश्वासन यही देखे गए कि 7 तारीख तक मैं तनख्वाह 2 महीने का इकट्ठा डाल दूंगा। होली पीरियड था जिसमें हम लोगों ने तनख्वाह मांगा, जिसमें कि हम लोगों को 2-2, 3-3 हज़ार रुपया दे करके आश्वासन दिया कि 7 तारीख को तनख्वाह डाल दिया जाएगा। आज तक डाले नहीं। क्या कहा आज उन्होंने? आज उन्होंने कहा कि मैं डाल दूंगा, मुझे डाले ही नहीं, कि कह देते हैं मुझे करते नहीं। कोई समय में मांगा क्या आपसे, कितने दिनों में तनख्वाह आपकी डालेंगे? 1-2 दिन के आज उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा। आज भी कहा। कहाँ से फोन आया था आपके पास? लखनऊ से। अगर तनख्वाह नहीं है फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर प्रदर्शन करेंगे हम लोग, हमारी लोगों की मांग पूरी किया जाए। ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है और मैं मेरे पेमेंट के लिए धरना प्रदर्शन डाले। अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई है। 10 तारीख को बोले थे पेमेंट डालने के लिए, अभी तक पेमेंट नहीं डाले। 1-2 दिन का समय फिर लिए हैं। देखिए, फोन आया था आपके पास अभी? आर्यन मिश्रा का आया था, लखनऊ से आया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा 1-2 दिन का समय दीजिए, हम डाल देंगे। अगर नहीं डालेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग धरना प्रदर्शन डालेंगे। कौन कौन लोग हैं, नाम बता दीजिए प्रदर्शन में? प्रदर्शन में वो लल्लू राम भारती, शंकर, दयाराम, बाबूलाल, महेश, राम कुमार और आकाश फारूक और रामेश्वर, हरकेश, संतोष कुमार, रामराज और होरीलाल, संजय, अजय। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ स्टेशन में? 26 लोग का है सर।